अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौन सा देख रहे हैं यार, कौन सा कलर बना रहे हैं? पूछते हम रईस, हाँ रईस कौन सा कलर बना रहे हो? लेमन कलर, लेमन कलर बनाएंगे। ये लेमन कलर ले लिया 30 ग्राम। तीस ग्राम लेमन ले लिया है, बाकी हम ये पानी लेंगे इसमें। हमने गर्म पानी ले लिया, अब इसके बाद ठंडा पानी मिक्स करेंगे। वो बाकी जो हमने कलर लेमन निकाला था 30 ग्राम, ये थोड़ा सा ठंडा उतर जा रहा है। तो जल्दी काटना पड़ रहा है, जागरूक हुई इसके बाद ये हमारा गंदा है, इससे गर्म ये कुछ ज़्यादा हट पानी होगा। सही है, दो ठंडा साफ कर। ये लेमन कलर डाला हमने, ये नीलन चेक वाला फैब्रिक है, 20 बट्टे हमने 30 ग्राम लेमन कलर दिया डायरेक्ट का। ये थान खोलेंगे ताकि कोई पैकिंग नहीं आए। ऐसा ना हट जाओ, अभी ऊपर नीचे करेंगे पानी इतना हार्ड है, सुबह से तो चक्की पानी मार लो, चक्कियाँ हो रहे भाई अब दोनों। ये लेमन कलर आ गया हमारा, अब लेमन के बाद हम लेंगे चना पीला। पीने का पानी, चना पीला कलर बनाएंगे लेमन के बाद। ये हमने इधर नीम गर्म पानी में बनाया था, ये हार्ड पानी में बनाएंगे, ये हमारा हार्ड पानी है। चना पीला कर बनाने के लिए हम पानी कम होगा, येलो जी और लेमन से बनाएंगे, उसमें हल्का सा सूखी देंगे। इसमें से पानी हम निकालेंगे और पीले का पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी ज़्यादा है हमारा पतीले में, हम पानी डिवाइड करते हैं। और ये जो लेमन कलर हमारा पावर थोड़ा बहुत बचा है, ये दोबारा पानी में डाल देंगे, ये कलर हम ज़ाया नहीं होने देंगे। और जो लेमन कलर है देखें, पानी साफ निकल रहा है, और ये लेमन कलर हमारा हेड्रो हो रहा है, ये देखें।
डाल दिया वापस। अभी इसमें हम बनाएंगे चना पीला कलर। ये देखें पानी डाल दिया हमने, अब हमारी चने पीले की चादर है। देख दुपट्टे चादरें कितनी है, दो थान है, 30 चादर है, 50 हो गई दुपट्टे तक। ये लो जी कलर लेंगे, येलो और लेमन से बनाएंगे और सुर्खी देंगे इसमें हल्की सी। चने पीले के अंदर हल्की सी सुर्खी होती है, तो सुर्खी कितनी देंगे आपको दिखाते हैं। गुलाबी की सुर्खी लगा रहे हैं, 5 ग्राम की हमने सुर्खी दे दी रोज़ एफआर की। अब हमने बाल्टी में डाला है इसको, कलर को अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद फिर डाल देंगे इसको, छानेंगे नहीं। अगर आप यूज़ करो तो इस्तेमाल करो तो आपको छानना पड़ेगा। ये देखें कलर हल होता नहीं ऊपर आया, बहुत से कलर ऐसे भी आ जाते हैं कि सही तरह से हल नहीं होता। ये देखें सारा कलर ऊपर आ गया। ये के गड़बड़ कर रहा है, हमारे को छानना पड़ रहा है। इससे पहले हमारे पास कलर आया था, छानना नहीं पड़ता था, हल हो जाता था। ये देखें छन भी नहीं रहा ये कलर। देखें कलर रह गया ऊपर, और हम इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे वापसी। हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, हिलाने के बाद सही दो इसके अंदर भी तकरीबन ये 50 पत्ते ही बनेंगे। ये हमारे तरफ दूसरी तरफ ये पतीला चल रहा है। ये हमारे रईस कारीगर गुलाबी कलर बना रहे हैं, 120 ग्राम इन्होंने कलर ले लिया गुलाबी, 100 ग्राम कर लिया इसको। और ये देखें ये एक तरफ हमारी तरफ गुलाबी चल रहा होता है, दूसरी तरफ येलो चल रहा होता है। हमारे दो कारीगर हैं, एक तरफ गुलाबी कलर बन रहा है हमारे और एक तरफ लेमन।
ये ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि कोई पैकिंग ना आए। इसको तकरीबन पूरे 15 मिनट के लिए स्प्रे किया जाता है, ऊपर से ऊपर नीचे डंडे से चाल लगाई जाती है ताकि कोई पैकिंग ना आए। किसी कलर का 15 मिनट दिया जाता है, किसी को 8 मिनट, किसी को 10 मिनट। हर कलर की जैसे टाइमिंग नहीं होती, कोई कलर फास्ट चढ़ते हैं, कोई स्लो पिक करते हैं। जो स्लो पिक करते हैं वो देर से चढ़ते हैं। अब लेमन इसमें डाला हुआ, लेमन फास्ट पिक करता है। येलो जी कलर जो डाला है वो स्लो पिक करता है, तो इसकी वजह से हमने टाइमिंग बढ़ा दी इसकी। और जो रोज़ एफ आर हमने 5 ग्राम डाला है वो भी स्लो पिक करता है। ये 5 ग्राम पूरा का पूरा चढ़ गया वो पूरा। बाकी अगली वीडियो में हम आपको दिखाते हैं अगले कलर, दिखाते हैं कौन से कलर कैसे बनते हैं।